नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेम्पायर हब डॉट कॉम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, और मैं हूं आपका दोस्त अनुराग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक आवश्यक सूचना, हमारे यूट्यूब चैनल पे गिव अवे चल रहा है जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। लास्ट में एक सवाल आएगा जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं सरप्राइज गिफ्ट विनर। सरप्राइज गिफ्ट आपको मिलेगा हर सोमवार को, क्योंकि हमारे चैनल पे वीकली गिव अवे चलता है। दोस्तों कैसे हो, फाइनली हम आ गए एक नई वीडियो के साथ। इसमें हम बात कर रहे हैं जिस वैकेंसी की, वो काफ़ी खास है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जिस वैकेंसी की, वो आई है इसरो के डिपार्टमेंट से, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट से। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, केंद्र सरकार की भर्ती है, जिसमें कि टेक्नीशियन व अन्य पदों पर भर्ती आई है। इसके लिए ITI, NTC, NAC डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, और सैलरी मिलती है ITI वालों को 21,700 रुपये, वहीं डिप्लोमा वालों को सैलरी मिलती है 44,900 रुपये पर मंथ। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, मेल व फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पूरे भारत से ऑल इंडिया जॉब है, तो दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। चलिए जानते हैं इसके कंप्लीट डिटेल्स, लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वैकेंसीज लेकर आएँ। चलिए जानते हैं इस वैकेंसी की कंप्लीट डिटेल्स। दोस्तों फाइनली हम आ गए अपने वेबसाइट पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पर इसरो की वैकेंसी आई है, और यहाँ पर 86 टेक्नीशियन, ड्रॉट्समैन व टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट हैं। यहाँ पर रिक्रूटिंग बॉडी क्या है, तो रिक्रूटिंग बॉडी है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन है, इसका मतलब है कि आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भरना होगा। अप्लाई करने का डेट है 24 अगस्त से लेकर 13 सितंबर के बीच में। जॉब लोकेशन रहेगी ऑल ओवर इंडिया, और ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके वैकेंसी डिटेल की, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पर फीटर से 20 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से 15 पोस्ट हैं, प्लम्बर से 2 पोस्ट हैं, वेल्डर से 1 पोस्ट हैं, वहीं मैकेनिक से 1 पोस्ट हैं। वहीं ड्रॉट्समैन बी के लिए मैकेनिकल से 10 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल से 2 पोस्ट हैं। वहीं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए मैकेनिकल से 29 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से 12 पोस्ट हैं, व सिविल से 3 पोस्ट है, यानी कि टोटल वैकेंसी 86। अगर हम बात करते हैं पे स्केल सैलरी की, तो सैलरी यहाँ पर मिलती है टेक्नीशियन बी के लिए व ड्रॉट्समैन बी के लिए 21,700 रुपये प्लस DA। वहीं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए सैलरी मिलती है 44,900 रुपये प्लस DA। आयु सीमा की बात करें, तो आयु सीमा 18 से 35 साल, और आयु में छूट दी गई है SC ST को 5 साल का, वहीं OBC को 3 साल का। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज गिव अवे क्वेश्चन है, भारत ने कितने क्रिकेट विश्व कप जीते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 3 या फिर 4। अपनी जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और आप बन सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट विनर। साथ ही इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। और दोस्तों अगर आपको व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जॉब अलर्ट चाहिए, तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट में। दोस्तों अगर हम बात करें इसके एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो इस वैकेंसी के लिए ITI, NTC, NAC इन द रेलिवेंट फील्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं। वहीं ड्रॉट्समैन बी के लिए भी ITI वाले ही अप्लाई करेंगे, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड वाले। वहीं टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल वाले। सिलेक्शन यहाँ पर बेस्ड है रिटन एग्जाम, स्किल टेस्ट पर। अप्लीकेशन फीस है यहाँ पर जनरल OBC के लिए 250 रुपये, SC ST एक्स सर्विसमैन के लिए बिल्कुल फ्री है, और अप्लाई करने का लिंक आपको स्क्रीन पर शो कर रहा है। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।